अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त सुहेल वीरक आपको सुहेल गार्डन में वेलकम करता हूँ। अच्छा, हमारे जो फलों वाले पौधे हैं जैसे माल्टा, किन्नू, मौसमी, और मैं आलू बुखारा लाया था, खुरमानी लाया था, इनके ऊपर कीड़ों ने हमला कर दिया है और सुंडियों ने, तो वो मेरा फल तकरीबन सारा ज़ाया हो गया। पहला ही फल लगा था और नुकसान हो गया, तो उसके लिए मैं एक दो चीज़ें लेकर आया हूँ, वो आज हम इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाते हैं। एक ये लेकर आया हूँ इमिडा क्लोपर्ड, ये देखें, ये सुंडियाँ, मक्खियाँ, इस तरह की चीज़ों के लिए होता है, कीड़े शीड़े मारने के लिए। ये देखें, ये इसकी डिटेल है। और एक ये पाउडर में दस्तयाब है और ये लिक्विड में है, सीगा पेस्ट। अच्छा जी, ये देखें, ये इसकी डिटेल है। ओके, तो अभी हम ऐसे करेंगे, एक ढक्कन इसका लेंगे और एक चम्मच इस पाउडर का लेंगे। ये देखें, ये जो सुंडियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं ये उनको मारने के लिए है, और ये मक्खी कीड़ा मारने के लिए है। तो एक चम्मच इसकी लेंगे बड़ी खाने की, और एक ढक्कन इसका लेंगे, और 1.5 लीटर पानी की बोतल में इनको मिक्स करके इसका हम स्प्रे करेंगे अपने पौधों को। इस पर ना लगने देना, इसको हला लो पहले। चलो बस, इसका हम एक ढक्कन लेंगे, ढक्कन बीच में लगा हुआ है। ये निकला है, अब ढक्कन इसका डालना है कि इसका डालना है? ढक्कन होना है, ओके ढक्कन। चलो, एक पूरा ढक्कन जी। हाँ जी, ये दिखाओ, ये वाला मैं फिर दिखा देता हूँ। ये वाला हमने एक ढक्कन लिया है, इसकी उफ बड़ी तेज स्मेल है इसकी। नहीं, वो रखो ना पहले, छुरी गंदी हो जाएगी, कैंची। अब इसको इधर से काटो, कोने से इस तरह तिरछा ज्यादा काट दिए। अच्छा, ये अंदाजे से एक चम्मच के बराबर डाल दो। अब चम्मच कहाँ से हम लेकर आए? बस बहुत है, कि थोड़ा सा और डाल लें। चलें, ये एक चम्मच हो गया, अब ना इसके अंदर पानी भर के ले आओ। दोबारा देख लें, एक हमने ये डाला है, ये पाउडर है एक चम्मच, और एक ढक्कन हमने इसका डाला है। ये देखें, ये इसका हाल देखें, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फल आया था, लेकिन मेरी बेहतियाती की वजह से सब ज़ाया हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, जैसे 2-4 दाने। इसको हम स्प्रे करते हैं अभी। ये आलू बुखारे का और खुरमानी का पौधा था, इनके ऊपर भी स्प्रे करें। ये देखिए साहब, देखिए खा गए कीड़े। ये कुमकाट का पौधा है, ये भी फलदार है, इसके ऊपर भी स्प्रे होगा। बस बहुत है,
इनको भी करना है। वो जिसके साथ है वो भी ख़राब हो रहा है। इसको भी ठीक हो गया। वो जो उधर नींबू होगा एक लगा हुआ वो नींबू को भी करना है। या माल्टे के पौधे को कर रहे हैं, जिधर फल हो उधर ज़्यादा करना ताकि उसको ना खाए। मिक्स कर दिया था ना अच्छी तरह। अच्छा दूसरा पौधा, अच्छा वो नींबू को भी करना। ये देखें, ये थोड़ा सा गुलाब को भी मार देना क्योंकि ना इसकी पत्तियां भी खा रहे हैं। ये देखें सारा फल खा गए हैं ये कीड़े और मक्खी। इसको भी स्प्रे होगा। ये माशाल्लाह से ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि फल नहीं आया, नहीं इसको भी करना पड़ेगा स्प्रे। ये देखें पत्ते, ये मेरे ख्याल पूरे पौधों पर इन्होंने हमला किया हुआ है। ये फिर आगे माल्टे का पौधा है, ये नींबू का पौधा है, इसको भी स्प्रे होगा। ये भी नींबू का पौधा है, ये अमरूद का पौधा है, इसको स्प्रे होगा। और वो नींबू का पौधा है, चाइना माल्टा है, इसको होगा। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ हुआ है। और ये फिर कमकाट का पौधा है जी। ये देखें ये स्प्रे हो रहा सारा। तो प्लीज़ अगर आपके पौधों को भी कीड़े पड़ गए हैं, इस गुलाब को भी थोड़ा सा, तो उनको प्लीज़ आप स्प्रे कर लें, नहीं तो आपका फल तबाह हो जाएगा। खिजर इन्हन करके ना, वो अनार तो उस माल्टे ने लुकाट नहीं कर रहे। स्प्रे ढेर सारा है ना, ठीक हो जी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सुहेल गार्डन को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल बटन को दबाएं ताकि नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।